हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि मलाई से घी निकालना कितना आसान होता है और साथ में बटर, बटर मिल्क, घी और पानी से घी निकालने का तरीका बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रिज से मलाई निकालकर एक कढ़ाई में डालेंगे। फ्रिज की ही मलाई लीजिएगा ताकि क्रीम फैले नहीं। मलाई को चम्मच से तोड़ते हुए मिलाएंगे। ये फ्रिज की मलाई है इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ी हार्ड रहेगी, धीरे धीरे ये स्मूथ होती चली जाएगी और इजली मिक्स होने लगेगी। इसे अच्छे से 5 मिनट तक लगातार मिक्स करना है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब ये स्मूथ हो चुका है। देखिए अब ये इजली मिक्स हो पा रहे हैं। 1-2 मिनट और मिक्स करने के बाद ये बटर मिल्क छोड़ने लगा है, मतलब ये अच्छी तरह से फटा चुका है। अब इसमें फ्रिज का चिल्ड वाटर डालेंगे ताकि बटर और बटर मिल्क अलग हो जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बटर को निकाल लेंगे। बटर निकालने के समय हल्के हाथों से दबाकर एक्स्ट्रा बटर मिल्क निकाल देंगे। सारे बटर को इसी तरह सेपरेट कर लेंगे। बटर और बटर मिल्क रेडी है। बटर मिल्क को छाछ भी कहते हैं। इसे आप कढ़ी बना सकते हैं, छौंका लगाकर पी सकते हैं। इस बटर को आप नॉर्मल बटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। एक कढ़ाई में हम सारे बटर को डालेंगे, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। जब इसमें उबाल आ जाए तो मीडियम फ्लेम कर देंगे। इसे लगातार मिक्स कीजिएगा, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। अब ये अच्छी तरह से बॉयल होने लगा है, इसके फ्लेम को लो कर देंगे। अब घी बनने की प्रोसेस शुरू हो गई है। इसे लो फ्लेम पे छोड़ देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे मिक्स करते हुए चेक करते रहेंगे ताकि नीचे से चिपके ना। घर की घी एकदम प्योर होती है। आप अगर घर में नहीं बनाते हैं तो मेरी तरह एक बार बना कर देखिए। एक तो ये इजी भी है और आपकी मलाई भी वेस्ट नहीं होगी। लगभग 10-12 मिनट पकाने के बाद ये ब्राउन होनी शुरू हो गई है। अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है। ये लाइट ब्राउन हो रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इस स्टेज पे गैस बंद मत कीजिएगा, नहीं तो घी जल्द ही ख़राब हो जाएगा। थोड़ा टाइम इसे और कुक करेंगे। अब ये कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इसका कलर ब्राउन हो गया है ना। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। थोड़ी ठंडी होने पे इसे छान लेंगे। आप जिस भी चीज़ में स्टोर करना चाहते हैं उसमें छान लें। हल्के हाथों से इसे चम्मच से हल्का दबा दबा कर छान लेंगे। घर की घी देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी और अच्छी लगेगी। छलनी में जो मोटे चंक्स रह गए हैं उसे सेम कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें 1 गिलास पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए गर्म करेंगे। ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब घी फ्लोट करने लगी है। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये पानी द्वारा घी निकालने की ट्रिक है। अब इसे फ्रीज में 2-3 घंटे के लिए घी सेपरेट होने के लिए छोड़ देंगे। घी अच्छे से जम चुका है। अब इसे चम्मच से चारों तरफ से अलग करके उसे निकाल लेंगे। नीचे पानी रह गया और ऊपर में जितना एक्स्ट्रा घी बनना था वो बन गया। जिसे हम फेंक देते हैं उससे भी ये घी निकल गया। ये पानी अलग है, इसे अब हम फेंक देंगे। जो घी बटर से बनी हुई है उसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और जो पानी से बनी है उसे पहले यूज कर लेंगे। पानी से बनी है इसलिए ये जल्द ख़राब हो जाएगी।